इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। ट्रॉमा सेंटर पर मरीजों से कमिश्नर खोरी का मामला सामने आया है। कमीशन खोरी में की गई चौकी इंचार्ज से शिकायत। बता दें कि कमीशन खोरी का मामला सामने आया है, जिसके बारे में चौकी इंचार्ज से शिकायत की गई है। पुलिस कर्मी एम्बुलेंस चालक की कमीशन खोरी का एक ऑडियो भी सामने आया है। एम्बुलेंस चालक से रुपए पहुंचाने का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद ये शिकायत की गई है। आप देख सकते हैं ये बड़ी अपडेट जो लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने इस मामले पे संज्ञान लिया है। बता दें कि डीसीपी वेस्ट ने ट्रॉमा चौकी इंचार्ज को निलंबित भी कर दिया इस मामले को लेकर। ट्रॉमा सेंटर पर मरीजों से कमीशन खोरी का मामला लगातार सामने आ रहा है, जिसके बाद आज कमीशन खोरी में चौकी इंचार्ज से शिकायत की गई है और अब इसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। बता दें कि इस पुलिसकर्मी और एम्बुलेंस चालक की कमीशन खोरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। एम्बुलेंस चालक से रुपए पहुंचाने का वीडियो वायरल हुआ। ये ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया। तो वहीं लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने मामले को संज्ञान लेते हुए भी अब कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके अंतर्गत डीसीपी वेस्ट ने ट्रॉमा चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया है। बता दें ये बड़ी अपडेट आ रही है लखनऊ से, जहां पे पुलिस कर्मी एम्बुलेंस चालक की कमीशन खोरी का मामला सामने आया है, जिसके बाद एक ऑडियो वायरल हुआ है। ऑडियो वायरल होने के बाद ये मामला संज्ञान में लिया गया है। लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने इस मामले पर संज्ञान लिया ऑडियो वायरल होने के बाद।